हेलो, आप आज कक्षा चौथी के पाठ पर्यावरण पाठ का रिश्ते नाते हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है रिश्ते नाते। रिश्ते मतलब अपना रिश्तेदार होता है और क्या का नाता होता है। जैसे किसी का बड़ा पापा है, किसी का चाचा है, किसी का चाची है, किसी का दादा है, किसी का दादी है, नाना नानी, ये सब रिश्तों के बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो कविता है, इसको पढ़ते हैं। दीदी का जब ब्याह रचाया, मेरे माता और पिता ने, मेहमानों को तब बुलवाया, मेरे माता और पिता ने। दिल्ली से फिर दादा दादी नाना नानी आए, साड़ी बिंदी चूड़ी कंगन कई भेंट वे लाए। मामा मामी मौसाई मौसा मौसी काका काकी आए, साथ में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी लाए। धूमधाम से हुई हमारी दीदी की फिर शादी, लौटे सब मेहमान घरों को, रह गए दादा दादी। तो ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी आपको, तो आप लोग भी इसको पढ़ना, है ना। तो यहाँ पर रिश्ते नाते में दीदी का जब ब्याह रचा, ब्याह माने होता है शादी, है ना। तो दीदी का जब शादी होता है तो मेरे माता पिता ने मेहमानों को बुलवाया। तो तुम्हारे माता पिता किसको बुलाएंगे? मेहमान को। मेहमान को हम लोग पहुना कहते हैं ना। तो फिर मेरे माता पिता ने दीदी का जब ब्याह किया था तो अब बहुत सारे मेहमानों को बुलाया था। दिल्ली से फिर दादा दादी नाना नानी आए, तो उसके दादा दादी दिल्ली में रहते थे और नाना नानी भी आए। तो चलो बच्चों बताओ, दादा किसे कहते हैं? हाँ, आपके पिताजी के पिताजी को दादा कहते हैं, और आपके पिताजी के जो पत्नी होती है उसको दादी कहते हैं। नाना नानी किसे कहेंगे? आपकी मम्मी है, तो आपके मम्मी का जो पिताजी है वो नाना होगा, आपका मम्मी के जो माताजी है वो नानी होगा, है ना। इस तरह दादा दादी नाना नानी समझ में आ गया होगा। तो साड़ी बिंदी चूड़ी कंगन कई भेंट भी लाए, तो शादी में होता है तो भेंट करने के लिए साड़ी लाते हैं, बिंदी लाते हैं, चूड़ी लाते हैं, कंगन लाते हैं, है ना। जानते हो कंगन हाथ में पहनते हैं, चूड़ी भी, बिंदी लगाते हैं माथे में, साड़ी पहनते हैं, सबको पता होगा आपको। कई भेंट लाए, भेंट माने होता है उपहार, भेंट माने क्या होता है? उपहार। मामा मामी मौसा मौसी काका काकी आए, तो मामा किसे कहेंगे? तो आपके पिता ना माँ है, आपकी मम्मी है, उसका जो भाई होता है, उसका बेटा होता है ना, आपके मम्मी है तो उसका जो भाई होता है वो मामा होता है, और उसकी पत्नी मामी होती है। फिर मौसा मौसी, आपके जो मम्मी है उसकी जो बहन है तो उसको मौसी बोलेंगे, और उसके पति को मौसा बोलेंगे। काका काकी आए, काका माने हम लोग चाचा बोलते हैं, चाचा और चाची। आपके पिताजी के जो छोटे भाई है उसको आप काका बोलेंगे, और उसकी पत्नी को काकी बोलेंगे। साथ में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी लाए, तो उनके जो बच्चे हैं उनको भी लेकर आए थे। धूमधाम से हुई हमारी दीदी की फिर शादी। शादी में धूमधाम कैसे होता है? बैंड बाजा बजाते हैं, है ना, और बहुत सारा नाचते भी हैं। तो दीदी की फिर शादी हो गई, लौटे सब मेहमान घरों को, रह गए दादा दी। तो सब मेहमान जब शादी होता है तो घर वापस चले जाते हैं, तो कौन कौन बच गए? दादा दादी बच गए, है ना। तो यहाँ पर ये कविता है, इसको दोहराना है आप लोग। तो यहाँ पर देखो, क्या तुम भी किसी रिश्तेदार की शादी में गए हो? यदि हाँ हो तो किसकी? इसको याद करके लिखना है। किसी न किसी की शादी में गए होगे, है ना। किसी मामा के कोई गया होगा, कोई बुआ के गया होगा, कोई मौसी के गया होगा, है ना, उसको लिखना है। वहाँ तुम्हारे कौन कौन से रिश्तेदार आए हैं? जैसे है ना, तुम्हारे चाचा गए थे, या फिर तुम्हारी नानी गई थी, या फिर तुम्हारी मौसी गई थी, उन सब रिश्तेदारों के नाम यहाँ पर लिखना है। क्या तुम सबको पहचान पाए? तो पहचान पाए तो हाँ लिखना, नहीं पहचान पाए तो नहीं लिखना। जिन रिश्तों को तुम पहचान पाए उन रिश्तों के नाम लिखना है यहाँ पर। कोई ऐसा रिश्तेदार मिला जिसे तुम पहचान नहीं पाए, वो कौन था और तुम्हें उन्हें क्यों नहीं पहचान पाए? हाँ, इसको भी
अपने घर से पूछकर लिखना है। नीचे दी गई तालिका में अपने माताजी और पिताजी की तरफ के रिश्तों के नाम लिखो, है ना। तो माँ से संबंधित जैसे नाना दिया है, पिता से संबंधित चाचा दिया है, तो माँ से संबंधित जो जो रिश्ते होते हैं अपनी माँ से पूछ कर लिखना है, अपने पिताजी से पूछ कर लिखोगे, है ना। जैसे माँ से संबंधित क्या का होगा, नाना है ना, नानी हो गया, मामा हो गया, मामी हो गया, है ना, चचे ठीक है, ममेरा भाई हो गया, ममेरा बहन हो गया, है ना, ठीक है। पिता संबंधित है चाचा है, तो और क्या का हो सकता है, बड़े पापा हो सकता है, चाची हो सकता है ना, दादा हो सकता है, दादी हो सकता है, ठीक है। इस तरह उसको पूरा करना है। जब शादी होती है तो परिवार में कई नए रिश्ते बनते हैं, पता करो कि शादी के बाद कौन से नए रिश्ते बनते हैं, आगे की तालिका में कुछ जोड़ना है। यहाँ पर देखो कौन किसके क्या लगते हैं, तो वधु वर के पिता क्या लगते हैं, बहू है, तो वधु की माँ वर की क्या लगेगी, वधु माने होता है जो जिसको शादी करके लाए हैं, तो उसकी माँ वर माने जो इसका शादी किया है ना, उसकी क्या लगेगी, वधु की माँ वर की सास होगा ना, हाँ सही जवाब। तो वर की बहन वधु की क्या लगेगी, वर जिसका शादी किया है उसका जो छोटी बहन है वधु की क्या होगी, ननद होगी ना, हाँ। और वर का भाई उसका वधु का क्या हो गया, हाँ छोटा भाई उसका वर का भाई उसका देवर होगा, वर वधु का क्या है, पति है ना। वधु की बहन वर की क्या लगेगी, जो बहुरिया है जो शादी करके लाए हैं उसकी बहन वर की क्या होगा, हैं छोटी बहन है तो साली लगेगी, है ना। वधु की पिता है ना जिसके शादी किए हैं, वर के पिता के क्या होंगे, समधी होंगे। और वर की बहन का पति जो वर की बहन है उसका पति वधु का नंदोई है, वधु का भाई है जो जिसको बहुरिया है जिसको शादी करके लाए हैं उसका छोटा भाई है, तो वर का क्या होगा, साला लगेगा। तो वर की बहन का बेटा वधु का क्या होगा, भांजा होगा, है ना। इस तरह हम लोग रिश्ते को पहचानना सीखेंगे। देखो नन्हा महनार मीनू का परिवार बहुत खुश है, उसके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन आई है। छोटी बहन के आने पर मीनू के परिवार के सदस्यों के कार्यों में क्या का बदलाव आएंगे, जैसे अब मीनू अपना दिन कैसे बिताएगी, माँ पिताजी अब क्या का नए काम करेंगे, मीनू ने देखा नन्ही बहन वाले काले और घुंघराले हैं, मीनू ने नानी से कहा इसके बाल तो बिल्कुल आपके जैसे हैं, नन्ही के बाल उसकी नानी के बाल की तरह घुंघराले हैं, तुम अपने किसी भाई बहन चाहे ममेरा हो या चचेरा भाई बहन की कोई पहचान देखो, उसकी आंखों का रंग कैसा है, कद कैसा है, पतली है या मोटी नाक है, आवाज़ कैसा है, गालों में गड्ढा है क्या, बताओ यह पहचान गुण उसकी माँ के परिवार से आई होगी या उसके पिता के तरफ से। दी गई तालिका अपने कापी में बनाओ और भरो। यहाँ नन्ही का उदाहरण देकर समझाया गया है, नन्ही खास पहचान क्या है, घुंघराले बाल हैं, किससे मिलती जुलती है, उसके नानी से, तो माँ की तरफ से है कि पिता की तरफ से, उसको पहचानना है ना। अब देखो बदली हो गई, तो मीनू के पिताजी की बदली दूसरे शहर में हो गई, अब उन्हें दूसरे शहर जाना है। पिताजी की बदली होने के कारण मीनू के परिवार में क्या बदलेगा, जैसे मीनू अब नए स्कूल में पढ़ेगी, मीनू के नए दोस्त बनेंगे। पता करो क्या तुम्हारी कक्षा स्कूल में भी दूसरे स्थान से बच्चे आए हैं, यदि हाँ तो उससे बातचीत करो कि वो कहाँ से आए हैं, पहली जगह स्कूल कैसा था, उन्हें यहाँ कैसा लग रहा है, क्या उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा, तो इस तरह हमें पता करना है। और तुमने देखा शादी जन्म बदली से परिवारों में बदलाव आए, परिवारों में बदलाव कुछ और कारणों से भी हो सकते हैं, पता करो। परिवार देखो कल आज और कल सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं, आओ देखें तुम्हारा परिवार भी बदला है या नहीं। तुम अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तो उनके परिवार में कौन कौन थे। अपनी कापी में उनमें से किसी एक के बचपन के परिवार का वंश वृक्ष बनाना है। क्या इस वंश वृक्ष में तुम या तुम्हारे भाई बहन माँ पिताजी कहीं दिखाई दे रहे हैं, अब तुम्हें अपने आज के परिवार का वंश वृक्ष कापी में बनाओ। इस वृक्ष में अब तुम कहाँ हो,
आज तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तुम्हारे दादा दादिया नाना नानी कहाँ है? तो वंश वृक्ष माने जो सबसे पहला पुरखा है जिसका वह है उसको नाम लिखना है, जैसे दादा है तो उसका बेटा, फिर उसका बेटा बेटी, इस तरह तुम आओगे। पता कर तुम्हारे आज का परिवार के वंश वृक्ष तुम्हारे दादा दादी नाना नानी के बचपन के वंश वृक्ष से किस तरह अलग है। तो इस तरह खोजबीन स्वयं करना है घर में, स्कूल में, फिर वापसी है। बहुत से ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी कम उम्र 18 साल से कम में कर दी जाती है, इससे बहुत सी लड़कियों से स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिला है ये परिवार स्कूल समाज पंचायतों की मदद से ये बच्चे स्कूल वापस पढ़ाई करने आ जाते हैं। सभी का मानना है कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। तो पता करो और लिखो क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्कूल छूट गया है, क्या वे फिर से पढ़ना चाहते हैं, वे आजकल क्या कर रहे हैं। तो अपने बड़े बुजुर्गों से, मम्मी पापा से या बड़े दीदी लोगों से पूछकर पता करना है हमने क्या सीखा। तो इस कई सवाल को आज कर लिखना है अपने मन से मौखिक में, जैसे तुम्हें घर में कहानियाँ कौन सुनाता है, ज़्यादातर दादा दादी सुनाते हैं या मम्मी पापा सुनाते हैं या दीदी सुनाती है, उसको बताना है। तुम अपने माँ को क्या कहकर पुकारते हो? कोई मम्मी कहता है, कोई माँ कहता है, कोई माँ जी कहता है, कोई माता जी कहता है, इस तरह उसको जवाब देना है तुम जो बोलते हो। तुम अपने रिश्तेदारों से मिलते हो तो कैसा लगता है? सबको अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, खाने आ गए, ये करने आ गए कहकर तो है ना, लेकिन ज़्यादातर सबको अपने रिश्तेदार आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। देखो लिखित प्रश्न में किन किन अवसरों पर तुम्हारे रिश्तेदार साथ में मिलते हैं, किन किन अवसरों मिलते होंगे? देखो शादी में, छठी में है ना, बच्चे का जन्म होता है तो छठी बोलते हैं, ज़्यादातर मिलते हैं, या फिर किसी त्यौहार हो, दीपावली हो, या फिर और कोई जैसे काम धाम वगैरह हो, कोई मर जाता है तब भी आते हैं रिश्तेदार लोग, है ना। तुम्हारे मामा का बेटा तुम्हारी माँ का क्या लगेगा? तो तुम्हारे मामा का जो बेटा है ना, तुम्हारी माँ का क्या लगेगा? उसका भतीजा लगेगा, है ना। तुम्हारे चाचा के ए भाई की बहन तुम्हारी माँ की क्या लगेगी? तुम्हारे जो चाचा का भाई है ना, तुम्हारे चाचा का जो भाई है उसकी बहन तुम्हारी माँ की क्या लगेगी? तो उसका उसका पति होगा, है ना। तुम्हारे जो चाचा की जो बहन है नहींगा, ये प्रश्न देखो, तुम्हारे जो चाचा है उसका छोटा भाई है, उन्हें उसका भाई है, उसका बहन तुम्हारी माँ की क्या लगेगी? ननद लगेगी, है ना। सीमा की दीदी की शादी हुई है, क्या तुम बता सकते हो कि शादी के बाद वह किन नए रिश्तों के नाम से जानी जाएगी? जैसे किसी की मामी हो सकती है, किसी की बहू हो सकती है, किसी की मौसी हो सकती है, किसी की बुआ हो सकती है ना, इस तरह इसको पता करके लिखना है। अपने आसपास खोजना है, देखो अपने माँ से उसके बचपन के किस्से पूछो, किस्से माने जो कहानियाँ होता है, जो उसके साथ जो घटना होता है उसको पूछना है अपने माँ से, आपस में फिर चर्चा करना है। तुम्हारी माँ बचपन में किन के साथ रहती थी, कैसे खेलती थी, क्या कपड़े पहनती थी, क्या क्या खाना करती थी, कहाँ जाती थी पढ़ने, इस तरह पूछना है। परिवार के रिश्तों को एक वंश एक वृक्ष के रूप में बनाने का प्रयास करना है ना, ठीक है। हाँ।